morning everyone, welcome back to the channel. If you haven't subscribe to my channel. Yeah, first. So abhi hum log just Panvel station utre aur hum log aaj ja rahe hain Prabalgadh. So aaj hum log ke saath hai Abhijit, Akhilesh and Ryan. So last time hum log jab Kalavantin Durg gaye the, wo Kalavantin Durg actually mein watch tower hai Prabalgadh ka. So yeah, wo to journey same hi hai. Base village bhi same hai. So हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी एसटी स्टैंड से हम लोग ठाकुरवाड़ी जाएंगे. बहुत दिनों के बाद ट्रेकिंग आने का मज़ा कुछ और ही है. मेरा नींद बिल्कुल पूरा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे सुबह उठा और ट्रेकिंग के लिए और सब रेडी हो गया तो ऐसा चार्ज लगता है एकदम मस्त. वो जो है वो कलावंतीन है, वो हम लोग जो लास्ट टाइम गए थे बारिश में उसका कुछ अलग ही व्यू दिखता है, क्योंकि वहाँ पर पूरे क्लाउड्स भरा हुआ रहता है और वहाँ से उस टाइम पर वो प्रबलगढ़ भी नहीं दिख रहा था, इतना फॉग था. Talking about its difficulty, ये average है, मतलब 2 out of 5. By the way, Ryan जो है उसका first trek है, तो हम लोग उसी से पूछेंगे जाने के time कि how was your experience. My love for mountains, I cannot tell you. एक अलग ही मज़ा है पूरा ये जो माहौल है, और वो जब तक आप यहाँ पर आते नहीं तब तक नहीं समझेगा. ये तो हो गए अपने मुंबई के mountains. थोड़ा आगे जाके आप हिमालयन ट्रैक्स को अगर जाओगे, आंखें खुली की खुली रह जाती है, इतना सब कुछ रहता है देखने के लिए. प्लीजेंट है, वेदर रहता है, थोड़ा ऑक्सीजन कम रहता है, बट बाकी सब फुल रहता है, अबव एक्सपेक्टेशन. साला अभी तक ट्रैक चालू भी नहीं हुआ है, वो पहाड़ चढ़ना है. अभी तो हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, नॉर्मल इंक्लिनेशन है, बट फट रही है. हार्डली 10 मिनट हुआ है और ऑलरेडी हाफना चालू हो गए, समझ में आ जाता है भाई गैप हो गया तो. क्या कर रहे हो? चलो. अभी एक्चुअल ट्रैक चालू हो गया. अभी तक तो हम लोग रोड पे चल रहे थे तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, अभी फटेगी और अभी मज़ा आएगा. चलो इसे पैचेस में ट्राई करो कि इसके ऊपर ना चलो. कॉर्नर पे जो गैप्स रहते हैं उसमें पैर डाल के आगे. टोटल ट्रैक वो बेस पॉइंट से, मतलब ठाकुरली विलेज से, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 आवर्स का है. गांव वाले तो साला 1.5-2 घंटे में करते हैं. वाव, बहुत भारी व्यू है यार. तसा सांगा तिकडे सांगतो ना तुला. एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ऑब्वियसली हम लोग ये रास्ता चूज कर रहे हैं. और ये हम लोग हाफ वे कम्प्लीट कर दिए. रैन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है अभी तक का ट्रैक? अब तक तो मैं बहुत थक गया. हो रहा है?
मजा आ रहा है, कर लूंगा पूरा, कर लूंगा। यो दैट्स द स्पिरिट गुड। वैसे तो ये वनडे ट्रिक है, लेकिन अगर आपको ओवरनाइट ट्रिक करना है तो आप इधर तक चल के आके, ये हाफवे तक यहाँ पे टेंट्स रहते, 800 रुपीज पर टेंट आई गेस, इन केस इफ यू वांट टेंट सर्विस कॉन्टैक्ट नंबर्स। गोवा का ऑर्डर दिया है और चार नींबू शरबत। शायद थोड़ा सा रास्ता खो गए, कलावंतीन का तो रोड पता था, वहाँ से लेफ्ट जाता था, बट जो गांव वालों ने बोला कि आगे से राइट लेना है, बट ये आगे के राइट कहीं और ही जा रहा है शायद, पता नहीं, मतलब बराबर जाता रहेगा बट मुझे दया कुछ तो झोल है। वहाँ पे कुछ छोटा सा घर दिख रहा है ये, हाँ बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं हम लोग ने शायद बहुत गलत वाला राइट ले लिया, सीधा चलते ही जा रहे हैं, जाना वहाँ पे है और हम लोग ये डायरेक्शन में सीधा जा रहे हैं, मतलब ऊपर जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अभी उल्टा जाके कोई गांव वाला अगर मिलता है तो उसको पूछना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। लकड़ियाँ बांध के रखी हुई है, इसका मतलब यहाँ से कोई तो आता जाता रहेगा, जाके देखते हैं। वहाँ पे फोर्ट है तो अकॉर्डिंग टू अस हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग इतना टाइम के बाद एक हो पाया था, हर जगह से रास्ता बंद, चलो अभी नीचे कुछ तो रास्ता ढूंढ के निकालेंगे। प्रबलगढ़ तो आज करेंगे, कुछ तो दिमाग चलेगा और रास्ता मिलेगा इंशाल्लाह। फाइनली हम लोग को रास्ता मिल गया, ये देखो जा रहे ऊपर, उधर ढूंढ के निकला, मजा आ गया, रियल एक्सप्लोर हो गया आज तो, रियल एक्सप्लोर पूरा प्रबलगढ़ फोर्ट, कहाँ पता नहीं वहाँ पे चले गए थे, फाइनली ऑन द ट्रैक, ये रहता है। इतना झाड़ी में से गए हैं ना, पूरा बदन पे साला खुजली आ रहा है। ये हम लोग पहुँच गए फोर्ट के दरवाजे पे, बैल सिंह की दरवाज़ा, फोर्टिफिकेशन कुछ ज़्यादा बचा नहीं है शायद, सब यहाँ पे जो दरवाज़ा था वो सब टूट गया है। दिस लास्ट हाफ एन आवर आई टेल यू, एक तो इतना स्टीफर हो जाता है, बट वी शुड गेट गोइंग, वी शुड नॉट स्टॉप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, आखिरी आधा घंटा है, यू कैन डू, ऐसे समझाते रहने का क्योंकि एक घंटा रहता बाकी, पहुंच जाएंगे ऊपर। और इसी तरह एक वड़ा पाव, एक प्लेट पोहा, तीन नींबू पानी लेके हम लोग पहुंच गए टॉप पे। अभी यहाँ से सीधा चल के 15 मिनट पे वो कलावंतीन स्पॉट बोलते हैं वो है, हम लोग ने अभी वो नींबू पानी वाले से पूछा, तो वहाँ से अपने को ऐसा पूरा कलावंतीन दुर्ग दिखेगा और आसपास के बाकी के जो भी है वो सब, क्योंकि यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो पूरा सराउंडेड बाय ट्रीज है। ले
पॉपुलरिटी देखोगे तो कलावंतीन का पॉपुलरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। प्रबलगढ़ थोड़ा सा लंबा है और डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत थकाने वाला है यार, बहुत थकाने वाला है। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखो हम चार ही खड़े, पूरा प्रबलगढ़ हमारा ही है और कलावंतीन पे पूरा जतरा लगा हुआ है। 50-100 लोग तो रहेंगे आराम से। साला गेम हो गया, एक गंदा जंप मारने का ट्राई कर रहा था मैं, जिसमें मेरे को हाथ ऐसे कलावंतीन दुर्ग के ऊपर चाहिए था और मैं हवा में ये वीडियो में। उसके बाद वॉटिम के बाद पैंट मेरा पूरा नीचे से ऐसा राउंड फटा है। अच्छी बात यह है कि आगे और पीछे से कहीं से भी दिख नहीं रहा है, वो नीचे के साइड फटा है ऐसे ही। अभी छुपा छुपा के इज्जत बचा बचा के चलना पड़ेगा घर पे। स्टंट्स कभी कभी और ही पड़ जाते हैं। बहुत टाइम हो गया, हम लोग बहुत फोटोज वगैरह निकाल रहे हैं, फोटोशूट अभी भी चालू है, पूरा व्यू ही सब कुछ खा डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा दिन तो रुक नहीं सकते, निकलना पड़ेगा। चलो ये भाई लोग, इट्स ऑलरेडी 2:00, चलो। मेरे ख्याल से उतरने के लिए हम लोग को 2 घंटा मिनिमम तो लगेगा, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे 2 घंटे में कंप्लीट करने का, क्योंकि 4 बजे तक अगर हम लोग टारगेट रखेंगे तो हम लोग 4:30 बजे तक पहुँच रहेंगे नीचे, और फिर वहाँ से पनवेल से घर पे पहुँचने के लिए अनदर 1/2 hour और सो। या चलो अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट इट वॉज खतरनाक वाला एक्सपीरियंस। हम लोग वो तो हमेशा का हो गया, मतलब हमेशा किसी ना किसी ट्रैक पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो गुम हो ही जाता है, लेकिन इस बार हम लोग बहुत गंदा वाला गुम हो गए थे। और ऐसे ऐसे ही किसी जंगल में से रास्ता निकाल निकाल के हम लोग ने एक ये जो नॉर्मल वाला पाथ रहता है उसके ऊपर आ गया, मज़ा आ गया। मतलब एक टाइम पे ऐसे लगने लगा था कि रिटर्न जाना पड़ेगा, बट डिसाइड कर लिया था कि नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए आज तो प्रबलगढ़ करना ही है। ये भाई साहब बीच में सो भी गए थे। उतरने के टाइम एक अलग ही मज़ा रहता है, प्रॉपर पत्थर देखो और चलते रहो। और ये आ गए हम वहाँ पे जहाँ से हम लोग रास्ता भटक गए थे। यहाँ से आगे का जर्नी तो आपको पता है, हम लोग ने मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ अभी दिखाने के लिए, एकदम ऐसा फ्लैट सीधा रोड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, फन वीडियो में, जहाँ पे कुछ नया देखेंगे। So, see you next time, guys. Ghumo, ghumao, ghumate raho, and have fun in your life. See ya.